हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन स्टडी, ग्रैब द नॉलेज। 26 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और इस वाले करंट अफेयर्स से ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? चार ऑप्शन है हमारे पास, यूक्रेन, रूस, क्यूबा या फिर पाकिस्तान। तो भाई, हाल ही में हुए युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच की वजह से रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चर्चा में रहा कडालेकाई परिषे उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटका। तो गाइस, इसका सही जवाब है कडालेकाई परिषे, कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया या फिर जापान। वही भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? नासा, इसरो, जक्सा या फिर यूएसए। गाइस, यूएसए ने पैरा एस्ट्रोनॉट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर मालदीव। तो इसका सही जवाब है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15BY के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका क्या नाम है? विशाखापट्टनम, मोरमुआगो, इम्फाल या फिर सूरत। तो 15BY के दूसरे जहाज़ को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम मोर मुगाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही है? चार ऑप्शन हमारे पास, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर चेन्नई। गाइस, ये जो मीटिंग होती है इसके सीटिंग की ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी और किन किन लोगों के बीच हुई थी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसका सही जवाब है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? इराक, ईरान, नेपाल या फिर मलेशिया। तो 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किस से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? कैप्टन भवानी सिंह सम्याल, शुभम धनंजय बनमाली, नैना धाकड़, नैना भाकर।
तो भाई इसका सही जवाब है कैप्टन भवानी सिंह सम्यल को साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नवंबर 2022 को कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? चंडीगढ़, रानीखेत उत्तराखंड, पोखरण राजस्थान, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के और भी चांसेस हैं। तो इसका सही जवाब है 23 नवंबर 2022 को अग्नि 3 की का सफल परीक्षण किया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। कल इसी टाइम पे हम अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।